बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लल्ला सय्यिदिना मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्लल्ला मोमिनीना वल मोमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात आमीन। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। आज 1 सितंबर 2023 है और 1 सितंबर आज जुम्मे वाले दिन है, तो अल्लाह ताला करे जिस तरह हम सब के लिए जुम्मातुल मुबारक मुबारक दिन है बहुत ज़्यादा, इसी तरह ये तमाम महीना भी बहुत ज़्यादा मुबारक साबित हो हम सब के लिए। सबको कामयाबियां मिले, सेहत मिले, और जो बच्चे अपना सितंबर के महीने से तलीमी नया साल शुरू करने लगे हैं, अल्लाह ताला उनको कामयाबियां और कामरानियां दे, आमीन। नाज़रीन, आज जो है 1 सितंबर 2023 है, तो आज का जो लकी नंबर है वो 8 है। क्योंकि तारीख चेंज हो गई है तो फिर उसके हिसाब से वो लकी नंबर भी बदल गया है। तो नाज़रीन, आज लकी नंबर 8 है, तो आज के दिन के जो खुशबख्ती के पत्थर हैं वो हैं सफ़ेद ओपल, सफ़ेद अकीक, सफ़ेद जरकन, सफ़ेद पुखराज, डायमंड। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो डायमंड भी पहन सकते हैं और मोज़नाइट भी पहन सकते हैं। ये डायमंड का ऐसे थोड़ा सा हल्का पत्थर होता है, देखने में आपको डायमंड की तरह लगेगा लेकिन ये होता ज़रा हल्का पत्थर है डायमंड से, तो डायमंड कीमती पत्थर है। तो नाज़रीन, आए हम आपको बताते हैं कि आज के दिन का जो रंग है वो सफ़ेद कलर का है। तो ये जो खुशबख्ती के पत्थर हैं इन्हें आप अंगूठी, लॉकेट और ब्रेस्लेट के सूरत में पहन सकते हैं। नाज़रीन, सफ़ेद ओपल जो होता है वो बेहतरीन ऑस्ट्रेलिया का होता है, और सफ़ेद पुखराज जो है वो श्रीलंका का सबसे बेहतरीन होता है। डायमंड जो है वो मुख्तलिफ ममालिक के अच्छे होते हैं, अमेरिका का भी अच्छा होता है और मुख्तलिफ इलाकों के। जरकन जो होता है ये सेमी प्रीशियस स्टोन है, इसमें इसके गो के कटिंग की हिसाब से ये ऐसे लगेगा कि आपको डायमंड की तरह, लेकिन ये डायमंड की तरह होता नहीं है, ये सेमी प्रीशियस जो है यानी कि भी हल्का कीमती पत्थर है जो है जरकन जो होता है। तो नाज़रीन, हमने आपको बताया सफ़ेद पुखराज के बारे में, हमने आपको बताया सफ़ेद अकीक। सफ़ेद अकीक जो है वो किसी भी मुल्क का हो सकता है, ईरान का, पाकिस्तान का, और सऊदी अरब से भी कुछ आते हैं, चाइना का, चाइना का ज़रा हल्का होता है, लेकिन जो पाकिस्तान का, ईरान का, अफगानिस्तान का, बर्मा का, ये ज़रा कीमती होते हैं, और चाइना का ज़रा हल्का होता है पाकिस्तान से, वो क्योंकि वो जो होते हैं वो पहले पत्थर का पाउडर करते हैं, पाउडर करने के बाद दोबारा उन्हें मशीनों में डालते हैं तो फिर बनाते हैं वो पत्थर जो होते हैं। तो आज के जुमे का दिन था, जुमे के दिन आपने बहुत सब ने इबादत की होंगी, दुरूद पाक पढ़ा होगा, तो नाज़रीन जहाँ पे आपने अपने लिए दुआ की थी जाकर की है, तो वहाँ पर आपने ज़रूर इंशाल्लाह वतन अजीज़ को याद रखा होगा, तो हमेशा याद रखा करें। आए नाज़रीन, हम अपने प्यारों के लिए दुआ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा ग़फिर ली वाली वालिदैया वलिल मोमिनीना वल मोमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात वल अहयाई वल अमवात, आमीन। नाज़रीन, क्या अल्लाह ताला हमारे इन प्यारों को कब्रों में आसानियाँ दे और इन पर रहमत फरमाए, आमीन, और इनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। और आए हम आगे चल कर बात करते हैं कि जिन लोगों की आज सालगिरह है, अल्लाह ताला उनकी और जो है वो लंबी सेहत वाली ज़िंदगी और कामयाबियों भरी रिस्क वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।